प्यारे बच्चों, आज हम सुदामा चरित व्याख्या भाग 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको भाग 4 तक अच्छी तरह से व्याख्या समझ आ गई होगी। तो इसके कवि श्री नरोत्तम दास और भाषा है अवधी और ब्रज भाषा। तो आओ अब 5वां भाग पढ़ते हैं। आओ इसका सस्वर वाचन करते हैं। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कई धो परियो कहूँ मार्ग भूली, कि फेरी केई में अब द्वारका आयो। भौन बिलो की बे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। तो अब बच्चों गाकर भी इसका अभ्यास करते हैं। वैसोई राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। केंदो परयो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। तो बच्चों आप ही इसका जरूर जो है गाकर अभ्यास करें सुदामा चरित का। तो बच्चों हम पिछले जो भाग में पढ़ चुके हैं के सुदामा की खूब सेवा की जाती है द्वारिका में, लेकिन उन्हें खाली हाथ भेजा जाता है। अब सब कुछ देने के बाद सुदामा को ये बात तब पता चलती है जब वह अपने गांव वापस आते हैं। तो उसी से ही जुड़ा हुआ आज हम अगला भाग पढ़ते हैं। पहले कठिन शब्दों के अर्थ, गज हाथी बाजी घोड़ा संभ्रम भ्रमित होना, कई धों या अथवा, भौन भवन बिलो की बे देखना, लोचत लालायित गांव मझायो गांव के बीच में। तो बच्चों ये इसके शब्दार्थ रहे। तो आपको इन कठिन शब्दों के जो अर्थ है जब तक पता नहीं होंगे तब तक हमें व्याख्या समझ नहीं आएगी। तो आपने ये अच्छे से कठिन शब्दों के अर्थ मन में बिठा लिए होंगे। तो अब हम व्याख्या रूप में इसको पढ़ते हैं। तो आओ बच्चों इसका सरलार्थ करते हैं कि जब सुदामा अपने गाँव के बीच में जाते हैं तो फिर वो क्या क्या सोचते जा रहे हैं, किस तरह से अपनी झोंपड़ी को वह ढूंढ रहे हैं। तो अब सरलार्थ के माध्यम से ये सारी बातें जानते हैं। कवि ने सुदामा के मन के भाव और स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि जब सुदामा अपने गांव वापस आ जाते हैं तो वह देखते हैं कि उनके गांव का सारा दृश्य द्वारिका जैसा बन गया है। वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारिका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारिका ही लौट आए हैं, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। सुदामा के गांव में द्वारिका जैसे महल बने हुए थे। सुदामा का मन उन महलों को देखकर लालायित हो गया था। यही सब बातें सोचते हुए सुदामा गांव के बीच पहुंच गए। वहां पहुंचकर सुदामा ने अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछा। वे अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोंपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। उनका पूरा गांव अलौकिक आभा से चकाचौंध हो रहा था, जिस कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने बिना बताए ही सुदामा की सहायता कर दी थी। तो अब बच्चों जब हमने देखो इससे पिछले
पद्यांश में पढ़ा था कि किस तरह से सुदामा जो है भला बुरा श्री कृष्ण के लिए कह रहे थे। सुदामा को लग रहा था कि श्री कृष्ण ने उनकी किसी भी तरह की सहायता नहीं की है, लेकिन श्री कृष्ण ने द्वारिका जैसे महल ही सुदामा के गांव में बना दिए थे, जैसे नौकर हाथी घोड़े या महावत वहां पर हुआ करते थे वैसे ही उन्होंने सुदामा के लिए भी दे दिए थे। सुदामा को ये सब बातें पता नहीं चली, वो इन सब बातों से अनजान रहे। तो आज की वीडियो में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे।